ओके वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेजर्ट ईगल के बारे में। मैं एंट्री कर चुके हैं प्लेस और यहाँ पे आरके का हेडशॉट। जहां तक मेरे को लग रहा है कि तीन राउंड में बंदा डीगल यूज करने वाला है गाइस, तीन राउंड में बंदा डीगल यूज करने वाला है, तो मुझे लग रहा है तीनों राउंड ये ही लेके जाएगा क्योंकि डीगल अच्छी है। पर एआर के मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में एक ऐसा प्लेयर जिसकी सबसे बेस्ट डेजर्ट ईगल होने वाली है। अब जिस चीज का वेट ही कर रहे थे भाई एआर के, मेरे को लग रहा है अपने तीनों राउंड जो डीगल के तीनों लेके जाने वाले, और तीन राउंड वो वुडपीकर से भी यहाँ पे लेके जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे अगेंस्ट में कुछ एनजी के बेस्ट मोबाइल प्लेयर था इंक्लूडिंग फोर फ्लैग गेमर, बट इनमें से मेरा ही डेजर्ट ईगल का खौफ इतना ज्यादा क्यों था। इमोट दिखा दे, इमोट इमोट। अरे भाई क्या मार रही है यार, मोबाइल प्लेयर कैसे मर सकते हैं यार। ओके विल, तो डेजर्ट ईगल एक ऐसा गन है जिसको यूज करके हम लोग शॉर्ट रेंज, मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज, इन तीनों रेंज में हम लोग एनिमी को डोमिनेट कर सकते हैं। बट क्या आपका इन तीनों रेंज में सही से हेडशॉट लग पाता है? तो आई गेस नहीं। और अगर लगता भी है, क्या आप लोग वही पुराना और बोरिंग हेडशॉट टेक्निक को फॉलो करते हुए आ रहे हो? तो फिर चलो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेजर्ट ईगल के बारे में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिसको आप यूज करके मेरे जैसा एक्यूरेसी बना सकते हो, और उसी के साथ साथ मैं डेजर्ट ईगल से कुछ बेस्ट फ्री स्टाइल टेक्निक शेयर करूंगा जिससे आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो या आई विल शेयर यू ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड मिस्टेक जिसको जानने के बाद आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा खतरनाक बना सकते हो। ओके तो हम सबसे पहले कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, और सरप्राइजिंगली ये इतना कॉमन मिस्टेक है जिसको यार लिटरली फ्री फायर के मैक्सिमम प्लेयर करता है, एंड इसी के वजह से ही आपका एम बहुत ज्यादा स्टक हो जाता है एंड आपका हेडशॉट इसी के वजह से लग ही नहीं पाता। ओके वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि आप लोग ये समझते हो कि मेरा हेडशॉट नहीं लग रहा है या फिर मेरा एम स्टक हो रहा है, तो इसके लिए मेरा सेंसिटिविटी और डीपीआई में प्रॉब्लम है, आप लोग ये समझते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो ज्यादा डीपीआई में कभी हेडशॉट लगता ही नहीं। ओके तो इसका मेन प्रॉब्लम है आपका एम एंड फायर के टाइमिंग में, एंड या एग्जैक्टली इसी के वजह से आपका एम स्टक हो जाता है। तो लेट मी शो यू हाउ। ये मेरा एक फ्रेंड का गेम प्ले है एंड इसका भी एम स्टक हो जाता है और इसका भी सही से हेडशॉट नहीं लग पाता, एंड या ऐसे ही आपके साथ भी होता है। देखो ये सबसे पहले क्या मिस्टेक करता है, ये सबसे पहले मिस्टेक करता है एमिंग में और फायरिंग में भी। ओके तो लेट मी शो यू हाउ। ओके देखो, आप लोग जब मूवमेंट करोगे तो आप लोग फॉर श्योर जंप तो जरूर करोगे, एंड उसी सेम टाइम पे आपको एनिमी के ऊपर एम भी करना है, और आपका एम का पोजीशन रहेगा एनिमी के हेड एंड चेस्ट के अराउंड, ना कि ग्राउंड लेवल पे, ना कि लेफ्ट एंड राइट साइड पे, बस आपको एम को एनिमी के चेस्ट एंड हेड के अराउंड ही रखना है। एंड या उसके बाद आप लोग जब लैंड करोगे उसी टाइम पे आपको ड्रैग भी करना है। और हाँ, हम सबको पता है कि डेजर्ट ईगल से मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज इन दोनों रेंज में बस स्टेट ड्रैग ही करना पड़ता है, एंड या आपको भी स्टेट ड्रैग ही करना है, और सिंपली आपको इसे फॉलो भी करना है जब तक आपका 10 में से 8 हेडशॉट सही से नहीं लगता। एंड आई स्वेयर कि आप लोग अगर 2 घंटा सही से प्रैक्टिस करोगे इस हेडशॉट ट्रिक को, आप लोग इजिली डेजर्ट ईगल से गॉड लेवल एक्यूरेसी बना सकते हो। ओके तो सबसे पहले आपको जंप एंड एम कर लेना है एनिमी के ऊपर, एंड देन जब आपका जंप खत्म हो जाएगा, आप लोग जब लैंड कर जाओगे तो उसी सेम टाइम पे आपको ड्रैग भी करना है। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपका कैरेक्टर जब लैंड करेगा उसी टाइम पे ही आपको ड्रैग करना है, अदरवाइज आपका रिकॉइल हो जाएगा। एंड या ये बहुत ही इजी एंड बहुत ज्यादा सिंपल टिप्स है, तो आई होप गाइस आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, एंड अभी हम सीखेंगे डेजर्ट ईगल से कैसे आप भी शॉर्ट रेंज में गॉड लेवल एक्यूरेसी बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट शॉर्ट रेंज पे आपका डेजर्ट ईगल हो या फिर M1887 आपका कोई भी गन हो, आपको शॉर्ट रेंज पे सबसे जरूरी है एम को समझना, नहीं तो आप लोग ये बात तो जरूर सुना है, कहीं पे निगाहें पर कहीं पे निशाना, एंड या आपके साथ भी सेम ऐसा ही हो सकता है। ऑलराइट तो हम सबको पता है कि शॉर्ट रेंज में फ्री फायर के मैक्सिमम प्लेयर रोटेशन ड्रैग ही करते हैं, क्योंकि शॉर्ट रेंज में मैक्सिमम टाइम व्हाइट एम रहता है, तो इसीलिए आपको रोटेशन करके रेड एम करना पड़ता है, एंड या उसके बाद ही आपका हेडशॉट कनेक्ट होता है। बट यू नो व्हाट, रोटेशन ड्रैग में ही सबसे ज्यादा रिकॉइल होता है, एंड सरप्राइजिंगली ये मेरे साथ साथ सभी का होता है, तभी तो मैं शॉर्ट रेंज में रोटेशन ड्रैग को नहीं स्टेट ड्रैग को ही यूज करता हूँ।
चलो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे करना है। बेसिकली इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजिकल गेम पे करना पड़ेगा। और हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारने के लिए। तो उससे पहले आपको ये समझना है शॉर्ट रेंज में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे पोजीशन में आपको एनिमी मिल सकता है। देखो तो फाइटिंग के स्टार्टिंग में आपको ऐसे भी मिल सकता है और या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी मिल सकता है एंड या ऐसे एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में जंप करते हुए भी मिल सकता है। और हाँ, हमारा लास्ट बट नॉट ऑफ द लीस्ट, आपको ऐसे भी पोजीशन में एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में भी मिल सकता है। और यहाँ पे मैं जो चार एग्जांपल दिया, चार में से आपको तीन जगह में ड्रैग करना होता है। ऑलराइट, आपको एक रफ सा आइडिया मिल गया है कैसे पोजीशन में आपको कैसे ड्रैग करना है और मैं आपको इसे प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा ताकि आप लोग और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। ऑलराइट, अगर आपका एनिमी ऐसे ही सीधा आपकी तरफ जंप करते हुए आ रहे हैं या फिर जंप करते हुए जा ही क्यों ना रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको ऑलरेडी स्ट्रेट ड्रैग ही करना है। और हाँ, अगर आपका एनिमी जंप तो कर रहा है बट वो आगे की तरफ नहीं, लेफ्ट एंड राइट साइड पे जंप कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एनिमी जिस साइड पे जंप कर रहा है तो उसी साइड पे आपको एम करके स्ट्रेट ड्रैग करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरे एनिमी है वो मेरा राइट साइड की तरफ जंप कर रहा है, तो मैं इसीलिए राइट साइड की तरफ स्ट्रेट ड्रैग करा और मेरा यहाँ पे इजिली हेडशॉट भी लग गया। और आपको ऐसे कंडीशन में स्ट्रेट ड्रैग को थोड़ा फास्ट करना है ताकि आपका हेडशॉट इजिली कनेक्ट हो पाए। और सेम यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे जो मेरा एनिमी है वो लेफ्ट साइड की तरफ जंप करे, तो मैं यहाँ पे सिंपली लेफ्ट साइड की तरफ ही स्टेट ड्रैग कर दिया और मेरा यहाँ पे इजिली हेडशॉट भी लग गया। तो या आपका एनिमी जिस तरफ मूवमेंट कर रहा है उसी तरफ आपको एम करके स्टेट ड्रैग करना है। और इम्पोर्टेंटली शॉर्ट रेंज में आपको स्टेट ड्रैग को थोड़ा सा स्पीड में करना है अगर आपका एनिमी ऐसे ही लेफ्ट या राइट साइड में रहेगा तो। सो वेल, आई होप गाइस आप लोग इन दोनों ट्रिक को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ गए होंगे। एंड अभी हम सीखेंगे अगर आपका एनिमी ऐसे ही इतना क्लोज रेंज में रहेगा तो आप लोग कौन से ड्रैग फॉर्मूला को यूज करेंगे जिससे आपका हेडशॉट लगने का चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो देखो, आप लोगों को इन दोनों कंडीशन में ही बस रोटेशन ड्रैग को फॉलो करना है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में कोई भी और कभी भी एम को स्टेबल नहीं रख सकता। तो इसलिए एम को पहले रोटेशन करके बॉडी के पास लेके आना पड़ता है एंड देन उसी के बाद हमारा हेडशॉट कनेक्ट होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग मेरा एम को अच्छे से नोटिस करो। बेसिकली यहाँ पे जो मेरा एम है वो है वाइट एम और एनिमी से थोड़ा सा डिस्टेंस में है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रोटेशन करके एम को बॉडी के पास लेके आया और मैं यहाँ पे इजिली रोटेशन ड्रैग करके हेडशॉट मार दिया। आपको इसे दिखने में थोड़ा इजी लग रहा है बट ये असल में उतना भी इजी नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड है, लिटरली ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि रोटेशन ड्रैग करने के लिए आपका डिवाइस मैटर करता है। और अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है तो आप जितना भी मर्जी रोटेशन ड्रैग कर लो, आपका एम वही बॉडी के पास आके अटक जाएगा। चाहे आप लोग क्यों ना डीपीआई ही यूज कर लो, आपका फिर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट रिकॉइल ही करेगा। तो इसीलिए आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों कंडीशन में शॉट लेना अवॉइड करना, क्योंकि अगर आप लोग इन दोनों कंडीशन में शॉट लेने जाओगे तो आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा और आपको एनिमी इजीली नॉक डाउन कर देगा। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि इसको हम कैसे अवॉइड करेंगे, तो या आप लोग इसे अवॉइड कर सकते हो कुछ एक्स्ट्रा गुलवल की मदद से। आप लोग थोड़ा सा बैकआउट कर लेना एंड जब आपका रेंज थोड़ा मेंटेन हो जाएगा तो आप लोग इजीली उसे स्ट्रेट ड्रैग करके नॉक डाउन कर सकते हो। तो या आई होप गाइस आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे एंड अगर आपको एक हेडशॉट के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी चाहिए तो आप लोग मेरा इस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो मैं आपको वहीं पे मिलूंगा, तब तक के लिए गाइस बाय।